टीवी स्टार करणवीर बोहरा ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक बड़ा फैसला किया है। वो फिलहाल अपनी वाइफ टीजे सिद्धू और 3 बच्चों के साथ कनाडा में हैं, लेकिन अब उन्होंने वापस लौटने के प्लान को कैंसिल कर दिया है। जी हां, करणवीर ने ये फैसला अपनी वाइफ और बच्चों की हिफाजत के मद्देनजर लिया है। करणवीर फिलहाल भारत में कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से काफी डरे हुए हैं। करणवीर अपने तीसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए अपनी बहन के पास कनाडा गए थे। कनाडा में करणवीर के तीसरे बच्चे की डिलीवरी पिछले साल 20 दिसंबर को अच्छी तरह से हुई और बाद में करणवीर ने अपने बच्चों की तस्वीरें और वीडियो भी कनाडा से शेयर किए। अब 4 मई को करणवीर और उनकी पूरी फैमिली का वापस मुंबई लौटने का प्लान था, लेकिन ऐन वक्त पर काफी सोचने समझने के बाद करणवीर ने फाइनली मुंबई लौटने का अपना इरादा कैंसिल कर दिया। अब जब तक करणवीर को भारत की कोरोना वाली स्थिति ठीक नहीं लगती, वो कनाडा में ही रहेंगे। आपको बता दें कि करणवीर और डीजे सिद्धू फिलहाल कनाडा में काफी गुड टाइम एंजॉय कर रहे हैं। दोनों ही अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपदा की घड़ी में एक साथ रहने को ही अपने लिए काफी खुशकिस्मत मान रहे हैं। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल टीजे सिद्धू तो एक फुल टाइम मदर के तौर पर अपना घर संभाल रही हैं, वहीं करणवीर बोहरा टीवी और फिल्मों के बीच कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी पर करणवीर आखिरी बार खतरा 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 और एस ऑफ स्पेस जैसे रियलिटी शो में नजर आए थे, जबकि उनका आखिरी एपिसोडिक रोल नागिन 3 में साल 2019 में सामने आया था। वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो करणवीर के पास कुतुब मीनार नाम से एक फिल्म भी है, जिसकी शूटिंग साल 2021 में शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से सब अटका पड़ा है। खैर, ऐसे मुश्किल वक्त में करणवीर टीजे और उनके तीनों बच्चों का एक साथ होना सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं कि भारत में कोरोना का कोहराम कब तक पूरी तरह थमता है और कब तक करणवीर अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया में वापसी कर पाते हैं।